डॉक्टर्स और सरकार के बाद आखिरकार सहमति बन गई है। कौन सी वो 8 मांगे हैं जिन पर चल रहा गतिरोध आखिरकार टूट गया है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं उन 8 मांगों के बारे में। 50 से कम बेड्स वाले निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आरटीएच से बाहर। रियायती दर पर बिल्डिंग आरटीएच अधिनियम से बाहर। निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल उच्च मोड़ पर बने अस्पताल। सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद स्थापित अस्पताल। ट्रस्टों के द्वारा संचालित अस्पताल आरटीएच के दायरे में। विभिन्न स्थानों पर बने अस्पताल नियमित करने पर होगा विचार। आंदोलन के दौरान दर्ज केस लिए जाएंगे वापस। लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम। हर 5 साल में करवाई जाएगी फायर एनओसी। नियमों में बदलाव आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही होगा। पूरे कंट्री में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और उसको जैसे ही गवर्नर साहब की मंजूरी आएगी पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे रूल्स बना के। और हमने जो स्टैंड लिया, डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट ने किया उसके साथ समझौता हो गया, उनकी 2-3 बातें थी, हमने सब बात मान ली। हमने असेंबली में भी वो चीज़ कहा था, उन्होंने असेंबली नहीं कहा बिल में डालो, हम रूल्स में डाल देंगे 50 बेड से नीचे वालों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली है, जो जिस तरह का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के हैं, जो बड़े हॉस्पिटल है, सब पे लागू होगा। पूरा देश आज इस बिल पर, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में ये लागू होगा। लोगों को जनता ने जो कमिटमेंट किया, हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, पार्टी का घोषणा पत्र था, उसी को लागू करने का ये बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोगों को राइट टू हेल्थ बिल लागू का फायदा मिलेगा। चिरंजीवी का हमने जो 10 लाख से 25 लाख कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए थे बांसवाड़ा, तब भी उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, इस चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो। आज उसको हमने कानूनी रूप देके जनता को अधिकार दे दिया कि उसके स्वास्थ्य का अधिकार कि वो कहीं भी अपना इलाज कराएगा वो फ्री हो पाएगा, सरकार उसका पेमेंट करेगा। देखो, फ्री दवाई, फ्री जांच, 25 लाख तक का फ्री इलाज, उसके बाद में तो सरकारी अस्पतालों में भीड़ होना वाजिब है। पहले लोगों को दवाई खरीदने का पैसा नहीं था, दवाई फ्री मिलेगी लोगों को पता है, इलाज भी फ्री होगा, ओपीडी आईपीडी सब बढ़ा है। ये सरकार की योजना की पॉपुलरिटी है जिसके कारण लोग आकर सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सारी जात दवाई फ्री हो तो इलाज भी क्यों नहीं आएगी? दवाइयों के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है अब। ये तो जब ओपीडी इतना बढ़ेगा आपका, स्टाफ की कमी, 1000 का ओपीडी, सुनिए, 1000 से ओपीडी 15000 हो जाएगा तो सर लगेगी उतनी ही है। 1000 के टाइम जो 2 स्टाफ है, 15000 में 2 स्टाफ बढ़ाएंगे कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम स्टाफ भी बढ़ाएंगे, संसाधन भी बढ़ाएंगे और हमने जो योजना लागू की है उसका फायदा लोगों को अच्छी तरह से मिले, इसके लिए जो संसाधन जुटाने सरकार वो करे। देखो, हमारे CSE में एक भी PSC है ना, पूरे स्टेट में एक भी ऐसी नहीं है जहाँ पर डॉक्टर नहीं है। सब जगह स्टाफ लगाया है, नर्सिंग भर्ती कर रहे हैं, अभी 2000 डॉक्टर भर्ती किए हैं। अभी हमने सब CMHO अधिकारियों को अधिकृत कर दिया, कलेक्टर्स को, जहाँ भी स्टाफ खाली हो UTV पर लगा दें। सरकार ने पूरी UTV की इनको परमिशन दी है, कहीं कोई GNM हो, NM हो, डॉक्टर हो, कोई भी स्टाफ हो, आप पैरामेडिकल का कोई स्टाफ हो, वो कलेक्टर और CMHO अधिकृत कर दिया, वहाँ पर पर्याप्त UTV में स्टाफ लगा दे। सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं।